दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी शराब घोटाला, कभी दवाई घोटाला और अब मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। एक ईमानदार सरकार पर इतने घोटाले के आरोप शोभा नहीं देते। और अब उपराज्यपाल ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट करवाए जा रहे थे। इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाई घोटाले का भी आरोप और एलजी पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फेक लैब टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज के ही टेस्ट कराए जा रहे थे। मरीजों की एंट्री में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। राजभवन सूत्रों के मुताबिक लाखों फर्जी टेस्ट के बदले निजी लैब्स को पेमेंट दिया गया। दिल्ली के गरीबों के नाम पर अरबों का घोटाला किया गया। यह भी आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत से डॉक्टर पहले से रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। नॉन मेडिकल स्टाफ की ओर से मरीजों को टेस्ट और दवाइयां लिखी जा रही थी। दरअसल अगस्त 2023 के महीने में कुल 7 मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जहां पर स्टाफ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर गलत तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा रहा था। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की जांच कराने का ठेका दिल्ली सरकार ने 2 प्राइवेट लैब को दिया हुआ है। जुलाई से सितंबर 2023 के लैब रिकॉर्ड जुटाए गए, ये दोनों लैब द्वारा किए गए टेस्ट रिकॉर्ड थे। जांच में पाया गया कि इन 7 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनकी लैब जांच कराने के लिए कहा गया। कई मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। 7 मोहल्ला क्लिनिक में जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच 521,221 लैब टेस्ट कराए गए। कुल 11,657 बार मरीज का मोबाइल नंबर सिर्फ 0 लिखा गया, जबकि 8,251 मामलों में मरीजों का नंबर ही नहीं लिखा गया। दोस्तों, घोटाले की खबर ऐसे वक्त में आई है जब बीते दिनों ही एलजी ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में खराब गुणवत्ता की दवाओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाएं मिली है। एलजी दफ्तर ने कहा था कि अस्पताल में जांचे गए 10% नमूने फेल साबित हुए है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बताया गया है कि विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने यह एक्शन लिया है। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे, क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी भी लंबित है। निजी प्रयोगशालाओं में भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने विफल हो गए और 38 नमूने मानक गुणवत्ता में पाए गए हैं। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है, चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। दवाई सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा खरीदी गई और सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को आपूर्ति की गई। एलजी की ओर से की गई नई सिफारिश के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार और राजभवन के बीच तनातनी बढ़ सकती है। दोस्तों, एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट की जांच की सिफारिश ऐसे समय पर की है जब केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से ही अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई जांच में जुटी है, जिनमें कथित शराब घोटाला सबसे प्रमुख है। खुद अरविंद केजरीवाल को ईडी 3 बार तलब कर चुकी है।
आम आदमी पार्टी को आशंका है कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, चुनाव तक केजरीवाल सरकार की मुसीबत कम होगी या और बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।